हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक डबल डेकर बस लखनऊ अयोध्या हाईवे पर खराब होने की वजह से सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। मिल रही जानकारी के मुताबिक बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र में लुधियाना पंजाब से यात्रियों से भरकर बिहार जा रही एक डबल डेकर प्राइवेट बस कल्याणी नदी पुल के पास खराब हो गई। बस ड्राइवर बस को हाईवे के किनारे खड़ी कर बस ठीक कर रहा था, तो वहीं बस में सवार यात्री हाईवे के किनारे बैठ बस ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ यात्री हाईवे किनारे बैठ कर खाना पीना कर रहे थे तो कुछ वहीं सो रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद बस और ट्रक हाईवे के किनारे बैठे यात्रियों के ऊपर चढ़ गए। इस भीषण हादसे में 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 34 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। जिस समय हादसा हुआ उस समय भारी बारिश होने की वजह से बचाव कार्य में समस्या आई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में 7 यात्रियों ने और दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 18 पहुंच गया। वहीं 25 घायलों का इलाज चल रहा है। दो ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी, तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की। तो खराब हो गया था। अच्छा। बस से हम लोग उतर गए थे, उतरने के बाद थोड़ा आगे जाके हम लोग बैठ गए थे, कोई खाना खा रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई सो गया था जी। पीछे से बाबूजी ट्रक आया, धक्का मार दिया, ट्रक और बस दोनों चल दिया, आमने सामने हुआ। वहाँ पर कोई सोया आदमी था, नहीं भाग पाया, इसलिए मर गया। अच्छा। नहीं सर, कोई नहीं मना कर रहा था ना, आपस का आदमी भी कोई नहीं मना कर रहा था। मालूम है ये नेशनल हाईवे है, दूरी जाकर सर सो हुई है। हाँ सर, एक मेरे भाई थे। अच्छा। मोनू नाम का, उसकी डेथ हो गया है। और मेरे गांव का 4 आदमी डेथ हो गया। अच्छा। सब लोग, आप लोग एक ही गांव के थे कि अलग अलग गाँव? मैं 14 आदमी एक गाँव के थे, सीतामढ़ी जिले के। अच्छा। और आदमी था वो कोई सहरसा का। तो आप लोग हरियाणा किस लिए गए थे, किसी का? मैं धान लगाने गया था। अच्छा। मृतकों में सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। संवाददाता रौनक सिंह की रिपोर्ट, बाराबंकी, यू न्यूज़ यूपी।